का दिन है। आज जींद में भी किसान संगठन महापंचायत करेंगे। किसान संगठनों ने आज महापंचायत का आह्वान किया है। महापंचायत में किसान आंदोलन की अगली रणनीति पर फैसला लेंगे। गिरफ्तार किए गए साथियों को रिहा करने की किसान संगठन मांग कर रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि शंभू खनौरी में पहले जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, उस दौरान हरियाणा पुलिस से कुछ किसानों को हिरासत में लिया था। इन्हीं किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज महापंचायत बुलाई गई है। आगे की रणनीति पर इस महापंचायत में फैसला लिया जाएगा। तो किसान एकजुट होकर अब आज महापंचायत कर अगली रणनीति बनाएंगे, फैसला किया जाएगा। शंभू खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान जिन किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनकी रिहाई की किसान मांग कर रहे हैं। और शंभू में भी रेलवे ट्रैक पर पंजाब के किसान बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। वहां पर धरने प्रदर्शन का छठा दिन है। रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए, तो जींद में भी आज महापंचायत होगी, जहां आगे की रणनीति को लेकर बड़ा फैसला किया जाएगा। चीन से मेरे सहयोगी विजेंद्र कुमार फोन लाइन से जुड़ गए। विजेंद्र, क्या अपडेट है, क्या जानकारी, क्योंकि किसानों ने आज महापंचायत का आह्वान किया है, महापंचायत कब होगी और क्या यहां पर आगे की रणनीति को लेकर फैसला होने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा और पंजाब के किसानों की एक महापंचायत है। उचाना कला जींद का कस्बा है, उसका गाँव है खट्टड़ कला। खट्टड़ में ये जो है महापंचायत होगी। पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें हिस्सा लेंगे। पंचायत का जो उद्देश्य है कि तीन किसान गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं, जिसमें एक खट्टड़ गांव का ये अनीस है और जलपेड़ा का नवदीप है और गुरकिरत है। तीन किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। जो किसान आंदोलन चला हुआ है शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर, उस आंदोलन के दौरान तीन किसानों की गिरफ्तारी हुई थी। उन्हीं की रिहाई के लिए आज जो हम महापंचायत में कोई फैसला लिया जाएगा। कोई जो किसान नेता है उनका ये कहना है कि आज कुछ ठोस रणनीति यहाँ से बनाई जाएगी। उनकी रिहाई नहीं होती है तो जैसे रेल ट्रैक ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा, इस पर मंथन होगा। फिलहाल किसानों का आना शुरू हो गया है, थोड़ी देर में पंचायत शुरू होगी और देखने वाली बात होगी कि किस तरह का बड़ा फैसला महापंचायत में लिया जाता है। विजेंद्र, क्या सिर्फ किसान संगठन इस महापंचायत का हिस्सा होंगे या फिर खा पंचायतों ने भी आने का फैसला किया है, क्या वो भी आंदोलन का हिस्सा है? देखिए अभी तो जो किसान संगठन है जिसमें एसकेएम गैर राजनीतिक है और शर्मा सिंह पंधेर की जो किसान यूनियन है इन्हीं के द्वारा खोल दी गई है। और ये यही जो मुख्य दो किसान यूनियन है खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर काफी लंबे समय से किसानों के साथ बैठे हुए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा खोल दी गई है। अब देखना होगा इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर से दो जो बड़े संगठन है इनकी तरफ से खोल दी गई है और हरियाणा पंजाब के किसान इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद विजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो महापंचायत का आह्वान किया, आज महापंचायत किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जींद के खटकड़ में ये महापंचायत बुलाई गई है। तीन युवा किसानों को शंभू खनौरी बॉर्डर आंदोलन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी रिहाई की मांग को लेकर पहले भी किसान धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। एक बार फिर से महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। जहां चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा, तो वहीं वार पलटवार भी जमकर किए जा रहे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में पंजाबी समाज जनसंवाद कार्यक्रम किया। यहां पर वो भाजपा पर जमकर बरसे, कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल विकास की रफ्तार को रोका है, जबकि हमने यानी कांग्रेस की सरकार ने 10 सालों में रोहतक में 19 बाईपास बनवाए थे। बहादुरगढ़ समेत 81 किलोमीटर तक मेट्रो लाइन बिछवाई। भाजपा ने 10 सालों में मेट्रो के 8 खंभे तक नहीं लगवाए। कांग्रेस आएगी तो मेट्रो रोहतक तक भी आएगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस जीत कर सत्ता में आती है, तो एक बार फिर से उसी तरीके से विकास करवाया जाएगा जैसा कि 10 साल सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पहले करती रही है। भाजपा पर बड़ा आरोप कि 10 सालों में बीजेपी ने विकास नहीं किया बल्कि विकास की रफ्तार को रोका। दुख की बात यह है, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, मैं सवाल करता है। हमारे समय 81 किलोमीटर हरियाणा के अंदर मेट्रो आई, 81 किलोमीटर, 4 शहर मेट्रो से जुड़े, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़। 2010 में फैसला हुआ भारत सरकार का कि दिल्ली से बाहर मेट्रो जा सकती है, दिल्ली टेरिटोरियल बॉर्डर दिल्ली, और 4 साल में 4 शहरों को 81 किलोमीटर मेट्रो बना के जोड़ने का हमारे समय हुआ। दुख की बात यह है कि पिछले 10 साल में, मैं नहीं कहता 81 किलोमीटर, मैं नहीं कहता 8 किलोमीटर, मगर 8 खंभे तो कहीं मेट्रो के
आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एक भी खंभा मेट्रो का किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ा। तो ये मैं समझता हूँ विकास की पटरी में हरियाणा चढ़ा था। ऐसे ही भादुगढ़ की हम बात कर रहे थे पहले, तो भादुगढ़ में चाहे मेट्रो हो, चाहे बाईपास हो, चाहे फुटवे पार्क हो, चाहे भादुगढ़ में आईटीआई कॉलेज, अस्पताल हो, लाइन पार्क की सारी चाहे व्यवस्था हो, चाहे लाइन पार्क का पुल हो, और लाइन पार्क के पुल के साथ जब पुल की आई तो साथ में आई कि जी अंडरपास भी बनवाओ, तो अंडरपास भी मैंने मंजूर करवाया था। और जब मंजूर कराया तो इतने में 2014 के अंदर सरकार में परिवर्तन आया, वो जो सारा उसका जो पैसा मंजूर कराया हुआ था अंडरपास का, वो भी अच्छे से इस सरकार में अच्छी देख रेख से नहीं लग पाया, और वो अंडरपास कैसा बना है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला कैंट बीजेपी दफ्तर में चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और मौजूदा राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल भी रहे। हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है उसको लेकर चुनाव में एक दूसरे पर नेता जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर जो तंज कसा गया है कि इस तरीके से विरोध में बैठे हुए लोग अगर बातचीत करते हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं, तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दुष्यंत उनके साथ थे तो वो खुद 400 पार का नारा लगाते थे। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अनर्गल प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के, और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हिसार अनाज मंडी के दौरे पर आए। फसल का उठान नहीं होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। कहा कि नए मुख्यमंत्री की ये नाकामी है, जिम्मेदारी वो संभाल नहीं पाए। उधर लगातार जिस तरीके से जेजेपी में नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बगावत का सिलसिला जारी है। इस्तीफा दिए देकर लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस पर उन्होंने तंज कसा। कहा कि ऐसे लोगों की रेरे माटी होगी, हमने कभी किसी के सम्मान में कमी नहीं छोड़ी है, लोग घर भी जाते हैं तो जाए। 3 दिन प्रोक्योरमेंट अलग अलग मंडियों में सरकारी निर्देश पर बंद रहे, और आज भी जिस प्रकार से यहाँ आकर मंडी के प्रधान से और आढ़तियों से चर्चा हुई है, एक तो स्लो लिफ्टिंग इसका सबसे बड़ा कारण है, और दूसरी बात जो प्रतिबंध लगाया है इस बार कि 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं परचेज किया जाएगा, 10